हेलो गाइस, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज जेवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ लेकर ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 10 यानी कि त्रिकोणमिति का। हिंदी इंग्लिश इसमें तो दोनों ही कर रहे हैं हम, ठीक है। और जो चीज़ें मैंने अब तक आपको करवाई हैं वो था एकदम से कंप्लीट बेसिक, जिसके आधार पर हम अच्छी से अच्छी लेवल की चीज़ें करेंगे, क्योंकि इमारत बनाने के लिए नींव का होना ज़रूरी है। तो नींव हमने तैयार कर लिया, अब इमारत तैयार करनी बाकी है, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। और अभी हम मैक्सिमा मिनिमा पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा अच्छे से करवा दूंगा जो एसएससी के लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। हम एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा आता है, बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। रेयरली कभी आएगा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो कोई पार्ट अगर आप छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने पूरे का पूरा चैप्टर का ना मतलब सत्यानाश होता है ना, जैसे वो हो गया। क्योंकि अगर उस पार्ट में से क्वेश्चन आ गया तो फिर आपके किए का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए ये वाला पार्ट भी हम कर लेते हैं, मैक्सिमा मिनिमा। इसको मैं बेस से लेकर अच्छे लेवल तक, जहाँ तक कि एसएससी पूछ सकता है, वो आपको एकदम कंप्लीट अच्छे तरीके से करवा दूंगा, ताकि आज के बाद आपको कभी भी ये चीज़ कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और ये मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हवा में तीर छोड़ रहा हूँ। एक बार इस चैनल पे आपने ये सब चीज़ें पढ़ ली तो आपको कहीं भी और ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब आप खुद से उन चीज़ों को कर पाएंगे और आपका ब्रेन इतना डेवलप हो जाएगा कि आप खुद ही उन चीज़ों के आंसर्स निकालना शुरू कर देंगे। और उसके बाद फिर हम देखते हैं बहुत सारे आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन, अभी बहुत कुछ पड़ा है इसके अंदर, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए गाइस, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, और जितना शेयर हो सकता है किया करो यार, ठीक है, और लाइक कर दो वीडियो को। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले समझते हैं कि ये मैक्सिमा मिनिमा का लफड़ा क्या है, चक्कर क्या है। देखो, मैक्सिमम का मतलब आपको पता है कि अधिक से अधिक वैल्यू किसी चीज़ की, और मिनिमम मतलब कि कम से कम किसी चीज़ की वैल्यू। तो इसको हम ग्राफ की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैक्स मिन, मैक्स मिन नाम भी मस्त लग रहा है ना, तो इसको मैं मैक्स मिन बोल देता हूँ शॉर्ट में, मैक्सिमा मिनिमा। तो इसमें क्या करने वाले हैं, देखो ग्राफ की हेल्प से हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। पहले ग्राफ की हेल्प से समझते हैं, तभी मैंने आपको ग्राफ्स पढ़ाए थे, क्योंकि नहीं तो उनको पढ़ाने का मतलब क्या था अगर उनको यूज़ नहीं करना। तो एप्लीकेशन पार्ट तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता ही है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि अगर मैं आपको पूछूं कि ये किस चीज़ का ग्राफ है जो अभी मैंने बनाया, ये किस चीज़ का ग्राफ है अगर मैं पूछूं, तो आपको याद होगा ये साइन का ग्राफ है, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा सा इस तरफ भी बना लेते हैं, हमारा पर्पस बस समझना है, ओके। अब ऐसे ही मैं अगर कोस का ग्राफ बनाना चाहूँ तो मैं थोड़ा एक अलग कलर चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, तो हम कर लेते हैं ग्रीन का, ओके। तो कोस का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, वो आपको पता है कि ऐसा बनता है, फिर वो नीचे जाता है, फिर वो यूं जाता है, ठीक है। ऐसे ही वो कुछ इस तरह का बनेगा। ज़्यादा ड्राइंग के ऊपर ध्यान मत देना, जो समझने वाली चीज़ है उसके ऊपर ध्यान दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओके। तो कुछ इस तरह का बनेगा। अब फिर से पेन का थोड़ा कलर चेंज करके, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, तो ये कर लेते हैं, ओके। तो ये जो है ग्रीन वाला, ये बन गया कोस का, और ये जो है अपना ब्लू वाला, ये बन गया साइन का। सबसे पहली बात, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन कहाँ पे मैक्सिमम है, तो आप देखेंगे कि ये जो टॉप होता है ना, टॉप ये साइन का है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन मैक्सिमम हो गया, आपको यहीं से पता लग जाएगा साइन जो है यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। और अगर मैं पूछूं मिनिमम कहाँ हुआ, तो वो इस जगह पे मिनिमम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि माइनस वन आता है, और यहाँ पे आपको पता है कि ये वन की पोजीशन होती है, ये दोनों सेम ही लेवल पे होंगे, ठीक है। उसको ग्राफ को समझ लेना, आप नेट पे देख लेना इन ग्राफ्स को, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, ओके। तो यहाँ से भी आपको पता लग रहा है मैक्सिमा मिनिमा। एक्चुअली में क्या है कि अगर आप कभी, अगर आपने आई टी जे ई की तैयारी की होगी, तो उसके अंदर ये हमेशा होता था कि हम ग्राफ की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से समझ पाते थे, एज़ कम्पेयर टू कि कोई और फॉर्मूले लगाएं। फटाफट से ग्राफ बनाते थे तो दो सेकंड में आंसर आता था कि अच्छा ये बनेगा, लेकिन उसके लिए ग्राफ्स बनाने आने चाहिए। तो वो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा वास्ट में अभी आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये टॉपिक से ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, हो सकता है कुछ नॉर्मल सा कुछ पूछ लिया जाए, ओके। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा भी ग्राफ्स मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे ही ये जो कोस वाला है, कोस वाला मैक्सिमम कहाँ पे है, कोस वाला मैक्सिमम देखिए यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे वन हो गया। और मिनिमम कहाँ है, मिनिमम देखो यहाँ पे ये माइनस वन हो गया। तो ये कोस का भी पता लग गया कि वन और माइनस वन क्या है, इसके मैक्सिमम है, ओके। और एक बात कि साइन को गलती से भी यहाँ मिनिमम मत बोलना, ये ज़ीरो है लेकिन यहाँ पे मिनिमम नहीं है साइन, ओके। यहाँ बोलोगे तो फिर गलत हो जाएगा। हाँ, अभी एक और चीज़ आपको बताता हूँ, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं एक,
सीधी सीधी लाइनें खींच ली हमने। ओके तो आप ही जो मैं बताने जा रहा हूँ वो देखिए, ये तो साइन कोस के ग्राफ थे, साइन का कोस का। अगर आपको कभी पूछ ले कि साइन स्क्वेयर एक्स का ग्राफ बताओ, तो आपको बताइए फंक्शन को क्या लिखते हैं हम, वाई लिखते हैं हमेशा, ठीक है, और यहाँ पे एक्स लिखते हैं, वाई इक्वल टू साइन स्क्वेयर लिखते हैं, ठीक है, साइन स्क्वेयर एक्स। तो अगर साइन एक्स का तो आपको ग्राफ पता है, लेकिन साइन स्क्वेयर का क्या होगा? तो सबसे पहले तो क्या करो, साइन का जो आपको ग्राफ पता है वो यहाँ पे बना लो, ठीक है, ऐसे ही इस तरफ बना लेना। ओके यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं इसको। अब आपको क्या करना है, साइन स्क्वेयर एक्स का करना है, लेकिन ये साइन का है, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ कि अगर साइन स्क्वेयर होगा यहाँ पे, ओके, तो ये वाई है जो ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है। खुद देखो साइन स्क्वेयर है, कोई स्क्वेयर नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। और ये किस चीज़ की बात हो रही है, वाई की हो रही है, कि वाई नेगेटिव कभी नहीं होगा, वाई नेगेटिव कभी नहीं होगा। एक्स हो सकता है नेगेटिव, मैं बार बार बोल रहा हूँ एक्स हो सकता है नेगेटिव, क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स अगर लिखोगे और ऊपर से उसका स्क्वेयर कर दोगे तो वो तो फिर ठीक है ना, पॉजिटिव ही आएगी वैल्यू। अगर आप एक्स की जगह पे माइनस वैल्यू भी पुट करते जाओगे तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू ही आएंगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वेयर लिखा हुआ है। ओके जैसे कि माइनस फोर का स्क्वेयर अगर करते हो तो 16 आता है ना, पॉजिटिव आता है ना, तो ये वही बात है। ओके तो यहाँ पे आपका वाई नेगेटिव नहीं आना चाहिए कभी भी। और यहाँ पे देखो कि वाई क्या है, वाई ये है, वाई ये है, तो यहाँ पे आपको जो है साइन की वैल्यू मिलती है, और ये जो होती है ये एक्स एक्सिस, ये यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू होती है, यानी एंगल होता है। तो वाई जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये जो वाई की माइनस वाली एक्सिस है, ये माइनस वाली एक्सिस है जो नीचे, यहाँ पे इसका ग्राफ नहीं हो सकता साइन स्क्वायर एक्स का, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी कभी इवन पावर आ जाएगी, यहाँ पे इवन की बात कर रहा हूँ, ऑड की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन पावर आ जाएगी तो कभी भी ग्राफ ये जो एक्स एक्सिस है ना इसके नीचे नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस वाई है, यहाँ माइनस वाई है, तो ये नीचे वाला सारा ग्राफ आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको रिमूव करते हैं फिर, ये देखिए ये जितना भी नीचे आपको ग्राफ दिख रहा है सारा, एक वो भी नहीं रहेगा बिंदु भी, यहाँ पे सारा रिमूव कर देंगे, ठीक है। ओके तो ये किस चीज़ का ग्राफ हो जाएगा, यहाँ पे ये देखो, इसको इस तरह से मिला देना, इसको इस तरह से, ये जो ग्राफ है ये किस चीज़ का ग्राफ हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स का। ऐसे ही अगर कोस स्क्वेयर एक्स का निकालना होगा तो पहले कोस का ग्राफ बनाइए और फिर वो जो नीचे वाली जितनी भी पोर्शन है उसको सारे को रिमूव कर दीजिएगा, वो कोस स्क्वेयर एक्स का हो जाएगा। ऐसे ही टेन स्क्वेयर एक्स का भी निकाल सकते हैं, टेन फोर एक्स का, कोस फोर एक्स का, बिल्कुल सेम ऐसे ही ग्राफ बनेंगे। ओके और इससे आप मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। तो इसका अगर मैक्सिमम पूछूँ, साइन स्क्वेयर एक्स का मैक्सिमम क्या हो जाएगा, वन, ठीक है, लेकिन मिनिमम माइनस वन नहीं होगा यहाँ पे, मिनिमम क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा जीरो, इससे नीचे वैल्यू नहीं जाएगी। मिनिमम मैक्सिमम क्या है, ये वाई एक्सिस पे ही तो देखेंगे ना, तो वाई एक्सिस पे ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। अब शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब क्या है, विद फंक्शंस विद ग्राफ्स अच्छे से एक्सप्लेन किया है, किसी और ने किया होगा, एसएससी के जितने भी टीचर हैं किसी ने भी किया है तो बताओ मुझे, ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने आपको डिफाइन कर दिया। चलो इसमें थोड़ा सा और डीप में जाके देखते हैं। देखो अभी तो ये मैंने समझा दिया, अब आप इन जो चीज़ों को ना अब रिलेट कर पाओगे, नहीं तो लोग क्या करते हैं, लोग डायरेक्टली बोलते हैं कोस और साइन आ गया तो मैक्सिमम वन मिनिमम माइनस वन, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर आ गया मैक्सिमम वन मिनिमम जीरो, तो ऐसे से आपको रटवाते हैं। लेकिन अभी आपको रट्टा नहीं लगा, अभी आपको समझ आ गई है उस चीज़ की कि कैसे हम वन कैसे बोल रहे हैं मैक्सिमम में, माइनस वन कब बोल रहे हैं, जीरो को कब बोल रहे हैं मिनिमम, ठीक है, ये अब आपको समझ आएगी। साइन और कोस का अभी मैंने ग्राफ बता के हटाऊं कि मैक्सिमम क्या होता है, वन होता है, और मिनिमम क्या होता है, माइनस वन होता है, क्योंकि यहाँ पे ओड पावर है। अगर यही पावर इवन हो जाए, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कोस फोर साइन फोर, ठीक है, अभी अभी आपको समझाया मैंने कि उसका ग्राफ कैसा बनता है, उसका ग्राफ वाई से नीचे, मतलब एक्स एक्सिस से नीचे नहीं बन सकता है, इस एक्सिस से नीचे नहीं बनता है। तो आपको ये जो मैक्सिमम मिनिमम है ये फंक्शंस का निकालना, फंक्शन क्या होता है, वो वाई एक्सिस ही होते हैं, तो यानी कि वो जो है सिर्फ यहाँ इस वाली एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ही मैक्सिमम मिनिमम निकलेगा, नीचे वाली पे नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब है कि मिनिमम जो हो सकता है वो होगा जीरो, और मैक्सिमम जो भी उस फंक्शन की मैक्सिमम लिमिट है, अगर साइन है तो साइन ऐसा होता है तो यहाँ पे वन होता है, ठीक है, ऐसे कोस का भी वन होता है, तो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर का मैक्सिमम यहाँ पे हो जाएगा वन और मिनिमम हो जाएगा जीरो।
ऐसे ही अगर मैं कोस क्यूब साइन क्यूब की बात करूँ तो इनका ग्राफ जो है वो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा जैसे कोस थीटा साइन थीटा का बनता है, यानी कि जो ओड पावर्स है उनका ग्राफ एक तरह का हो जाएगा और इवन पावर्स का ग्राफ एक तरह का हो जाएगा। अब ओड पावर है तो इसमें भी माइनस में वैल्यू आ सकती है, समझ गए कि अगर मैं ये वाई एक्सिस पॉजिटिव है ये वाई एक्सिस नेगेटिव है, तो अगर कोस थीटा साइन थीटा की वैल्यू माइनस वन आ रही है तो इनमें भी क्या हो जाता है माइनस वन आ सकती है क्योंकि ये ओड फंक्शन है। यहाँ पे देखो कोस क्यूब लिखा हुआ है साइन क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, ओड पावर है, ओड फंक्शन नहीं कह रहा मैं, ओड पावर है इनकी। तो ऑब्वियस ही बात है कि वाई इज इक्वल टू अगर आप कोस क्यूब थीटा कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव वैल्यू है वो आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहाँ पे क्यूब लगा है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा जो उसको पॉजिटिव कर देगा, समझ रहे इस चीज़ को। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा वन, मिनिमम हो जाएगा माइनस वन। अब आती है बात टैन थीटा कोट थीटा की। सबको पता है कि टैन 90 डिग्री पे कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब कि ऐसी वैल्यू जो हम नहीं डिफाइन कर सकते क्योंकि हर वैल्यू में प्लस वन करके हम इनफाइनाइट तक लेके जा सकते हैं, तो काउंटिंग तो कभी ख़त्म नहीं होगी, तो ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो इसका मतलब है कोट थीटा और टैन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई, ओके। और मिनिमम वैल्यू ये आपको मैंने टैन का ग्राफ बता रखा है कैसा होता है, यूं करके हम यूं करते थे, ठीक है, तो ये माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है। वो टैन का भी आपको ऑलरेडी पता है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, ठीक है, क्योंकि एक एक्सिस पे वो माइनस इन्फिनिटी चला जाता है, एक जगह पे इन्फिनिटी चला जाता है, जैसे टैन 90 पे इन्फिनिटी चला जाएगा, ठीक है, ऐसी कोट का है तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, इसमें आपको कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब कोट स्क्वेयर और टैन स्क्वेयर आ जाएगा इस तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी पे नहीं जा पाएगा वो। अभी जैसे टैन का ग्राफ जो हम करते थे, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसी नॉर्मली बना के बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ, तो मैंने अभी क्या बताया कि अगर स्क्वेयर कहीं लग जाता है या इवन पावर आ जाती है तो ये नीचे तो ग्राफ बन ही नहीं सकता, ये ग्राफ तो बन ही नहीं पाएगा टैन का, तो फिर टैन का ग्राफ यहाँ से ऐसे स्टार्ट होना पड़ेगा, अगर ऐसा स्टार्ट होना पड़ेगा तो वो जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। और आपको मैक्सिमम मिनिमम किस चीज़ का होता है, मैक्सिमम मिनिमम वाई का होता है, ठीक है, तो वाई ही मैक्सिमम या मिनिमम को डिफाइन करता है। तो मिनिमम हो गया जीरो और मैक्सिमम फिर चलते जाएंगे ये टैन तो इनफाइनाइट तक जाता है तो मैक्सिमम इन्फिनिटी ही हो गया, इनफाइनाइट और यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है। अब जहाँ पे कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको ये इन्फाइनाइट जहाँ जहाँ भी दिख रहा है इसका मतलब है नॉट डिफाइंड, क्योंकि इन्फिनिटी को कभी अभी आप फाइंड नहीं कर सकते, ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, तो आप वहाँ पे नॉट डिफाइंड भी क्वेश्चन में बोल सकते हैं, तो नॉट डिफाइंड को भी मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इन्फिनिटी नहीं लिखा तो नॉट डिफाइंड को मार्क कर देना, या नन ऑफ दीज लिखा हुआ तो उससे आपको समझ आ जाएगी। अब बात आती है कोसिकेंट और सीकेंट की। देखो कोसिकेंट और सीकेंट जो है ये जो है इनफाइनाइट तक जा सकता है, रीज़न सुनो उसका क्या है। अभी हम जब साइन का बात करते हैं, साइन को मैं क्या बोलता हूँ, माइनस वन टू वन जा सकता है, समझ रहे हैं इस चीज़ को। अगर साइन माइनस वन से वन के बीच में है तो आप खुद देखो ये माइनस वन है और ये वन है, अगर इस वैल्यू के बीच में है तो वन से कोई भी वैल्यू जो होगी वो कैसी होगी, फ्रैक्शन में होगी। ऐसे ही माइनस वन से इस तरफ जो कोई भी वैल्यू होगी वो फ्रैक्शन में होगी। तो इन माइनस वन से वन के बीच में जो जितनी भी वैल्यूज ले लो, चाहे आप वन बाय टू ले लो, चाहे आप वन बाय थ्री ले लो, ये माइनस वन के से वन के बीच में माइनस वन बाय टू ले लो, माइनस वन बाय थ्री ले लो, ये सारी फ्रैक्शंस हैं गाइस, फ्रैक्शंस, ओके। तो अगर ऐसा है फ्रैक्शंस है, ठीक है, तो आप देखो कि नीचे कोई भी, जैसे मैं लिख दूं नीचे 1/99999 ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक लिख दूं अगर मैं, तो आप बताओ कि ये कहाँ पे लाई करेगी, ये माइनस वन से वन के बीच में ही लाई करेगी ना, इतनी बात तो तय है, क्योंकि ये वन बाय में कुछ हो गया तो ऑब्वियसली बात है ये पॉइंट समथिंग आएगा, और पॉइंट समथिंग कहाँ पे होगा, जीरो ये है तो 0.1 आ जाएगा या 0.2 आ जाएगा या -0.1 -0.2, तो ऑब्वियसली बात है माइनस वन से वन के बीच में ही लाई कर रहा है। लेकिन अगर साइन का उल्टा मैं कर दूँ, वो मुझे पता है कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो अगर मैं इसको वन इसको साइन लिखता हूँ इसको तो कोसेक क्या हो जाएगा, ये 999 इनफाइनाइट टाइम ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, यानी कोसेक की वैल्यू इन्फिनिटी तक चली गई है, समझ रहे हैं आप। ऐसे ही सीकेंट और कोस के बीच में रिलेशन है, डिटो सेम चीज़ है, ठीक है, तो ऐसे ही सीकेंट की वैल्यू भी इन्फिनिटी तक जा सकती है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे इन्फिनिटी। हम माइनस इन्फिनिटी कैसे जाएगी वो देखिए, माइनस इन्फिनिटी ऐसे जाएगी कि यहाँ पे अगर सपोज करो माइनस होता, साइन की वैल्यू अगर मैं लिखता माइनस वन बाय नाइन 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 टिल इन्फिनिटी,
तो ये क्या कहाँ पे जीरो माइनस 0.1 या माइनस 0.2 कुछ ऐसे आती, ठीक है, या इससे भी कम आएगी वैसे, माइनस 0.0001 कुछ ऐसे आएगी, ठीक है, तो वो जीरो से कहीं इस तरफ लाई करेगी, तो माइनस वन से वन के बीच में लाई कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका उल्टा करेंगे जब तो हमारे पास कोसेक आएगा, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक क्या हो जाएगा, माइनस 999 टिल इन्फिनिटी, तो ये क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी। ऐसे ही सीकेंट भी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि साइन कोस सीकेंट कोसेकेंट आपस में बिल्कुल इनका एक तरह से सेम सा ही रिलेशन हो जाता है, ठीक है, जो साइन और कोसेक का है वही सीकेंट और कोस का भी रिलेशन है, और डिट्टो वैसे ही सब कुछ हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे, ठीक है, अब तक रटवाया जा रहा था, आज आपको मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे इनकी मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू निकाली जाती है। अब देखो कि अगर इसका स्क्वेयर कर दिया जाए तो ये कैसे करेंगे। देखो स्क्वेयर करेंगे अगर हम, तो आपको पता है कि सबसे पहले मैं साइन स्क्वेयर का देखूं, ठीक है, फंक्शन मैंने यहाँ बनाया हुआ, जैसे ये साइन स्क्वेयर का फंक्शन है, ओके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो से लेके वन तक वेरी कर रही है, ठीक है, जीरो से वन, ठीक है, तो अगर जीरो से लेके वो वन तक वेरी कर रही है, ठीक है, ये साइन स्क्वेयर की वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, साइन स्क्वेयर की वैल्यू अगर जीरो से वन तक वेरी कर रही है, इसका मतलब एक फ्रैक्शन में होगी, माइनस में तो हो नहीं सकती, लेकिन जीरो से वन क्या होता है, वन बाय टू, वन बाय थ्री, सब फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि वन बाय 999 टिल इन्फिनिटी, ये वैल्यू देखो ये साइन स्क्वेयर का, ठीक है, देख रहे हैं हम, तो साइन स्क्वेयर का उल्टा क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वेयर होता है। अगर मैं साइन स्क्वेयर की बात ये करूं कि साइन स्क्वेयर की वैल्यू 1/999 टिल इन्फिनिटी है, तो कोसेकेंट स्क्वेयर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, तो 999 टिल इन्फिनिटी, तो यानी कि कोसेकेंट स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई, इन्फिनिटी, ऐसे ही सीकेंट की भी इन्फिनिटी आ गई, तो वो पहले भरो यहाँ पे, सीकेंट स्क्वेयर और कोसेकेंट स्क्वेयर की वैल्यू बोल रहा हूँ मैं कि इन्फिनिटी को अचीव कर जाएगी, ओके। अब इसका थोड़ा सा मिनिमा देखने की कोशिश करते हैं, ओके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे साइन जो है वो मिनिमम है, ठीक है, साइन जो है वो जीरो पे मिनिमम है, और मैक्सिमम कहाँ पे है, वन पे है, साइन, साइन स्क्वेयर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सॉरी साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, साइन स्क्वेयर की बात कर रहा हूँ, जो साइन स्क्वेयर है उसका मैक्सिमा क्या है, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमम जो है वो जीरो है, सॉरी मैक्सिमम है जो वो वन है, मिनिमम है जो जीरो है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोसेकेंट स्क्वेयर आ जाएगा, तो उल्टा करने से ये जो है 1/0, जब मैं 1/0 करता हूँ, ठीक है, अगर मैं ये वाली वैल्यू उठाता हूँ साइन की, तो जो साइन का मिनिमा है वो कोसेकेंट का क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा, ध्यान देना, जो यहाँ पे साइन स्क्वेयर का मिनिमम है जीरो, ठीक है, जीरो को उल्टा करूँगा तो वो बनेगा 1/0, ये क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो ये कोसेकेंट का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं साइन के मैक्सिमम को उल्टा करूँ, ऑब्वियसली बात है कि कोई फ्रैक्शन है उसको उल्टा करोगे तो मैक्सिमम मिनिमम चेंज होगा ही होगा, ठीक है, जैसे 1/2 को उल्टा करूँगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 ऑब्वियसली बात है कि मैक्सिमम हो गया एक तरह से, 1/2 मिनिमम हो गया, ठीक है, तो दो फंक्शंस के लिए अलग अलग बात है ये, तो यहाँ पे 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो वो 1/1 ही हो जाता, तो यहाँ पे 1 आ गया, इसका मतलब कोसेकेंट का मिनिमम कितना हो गया, 1 हो गया, मैक्सिमम इन्फिनिटी, इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं, तो यहाँ पे पुट करो इसको, 1 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे समझने वाली एक और चीज़ है, वो क्या है कि ये जो कोसेकेंट थीटा और सीकेंट थीटा है, ये कभी भी, ये दोनों कभी भी माइनस वन से वन के बीच में नहीं आएंगे। ये माइनस वन से वन के बीच में इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि अभी मैंने बताया कि साइन कोस जो है वो माइनस वन से वन के बीच में होते हैं, तो अगर ये लोग माइनस वन से वन के बीच में आने लग गए, जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि कोसेकेंट हाफ है, माइनस वन से वन के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि साइन टू हो गया इसका उल्टा, लेकिन साइन टू तो हो नहीं सकता है, समझ रहे हैं, साइन की तो मैक्सिमम वैल्यू वन है, तो ये इसीलिए कभी भी माइनस वन से वन के बीच में नहीं आते हैं, ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है गाइस। ग्राफ्स के थ्रू इतना डीप मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो फटाफट से ये टेबल बना के निकल जाता और यूँ 2 मिनट में ये ख़त्म करता मैं, लेकिन पूरा मैंने अच्छा खासा 15-20 मिनट लगा के आपको सारी की सारी कंसेप्ट जो है डीप में बता दिए कि कैसे ये चीज़ें
डेराइव हो रही है मैक्सिमम और मिनिमम की, जो मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने भी बताई हैं, नहीं तो लोग रट्टे मरवाते ही रहते हैं। चलिए गाइज अब इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और वो आपको बिल्कुल आसान लगेंगे अब, क्योंकि समझाने का तरीका वैसा था कि क्वेश्चंस भी आसान हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक जितना भी पढ़ा है उसके बिहाफ पे एक छोटा सा क्वेश्चन जो आ सकता है और जिसको आपने 2-3 सेकंड के अंदर ही सोल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारा पेपर मुश्किल होता है, आसान क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अब ये तभी आ पाएगा जब बेस क्लियर होगा। जब बेस ही नहीं क्लियर तो फिर ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। है आसान सा, साइन थीटा, इसमें बोला कि विच इज करेक्ट, ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि विच इज इनकरेक्ट। तो हम दोनों ही देख लेते हैं कि इसमें से करेक्ट कौन से हैं और इनकरेक्ट कौन से हैं। जो करेक्ट होंगे उन पर टिक लगा देंगे, जो इनकरेक्ट होंगे उन पर क्रॉस लगा देंगे। तो जैसे कि साइन थीटा 7/10 है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि साइन की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में वेरी करती है, तो ऑब्वियस ही बात है कि 7/10 0.7 होता है, तो -1 से 1 के बीच में आ गया, तो ये बिल्कुल सही चीज़ है। ओके, कोसिकेंट थीटा 99, अब इसको देख के घबराना नहीं है कि कोसिकेंट 99 कैसे आ गया। अभी आपको क्या बताया, कोसिकेंट थीटा का मैक्सिमम मिनिमम क्या बताया, -∞ से ∞ है, ठीक है। ये देखिए कोसिकेंट थीटा और सिकेंट थीटा का इन्फिनिटी मैक्सिमम है और मिनिमम -∞ है। बस इसमें कंडीशन क्या है कि ये -1 से 1 के बीच में नहीं होने चाहिए दोनों, बाकी -∞ से ∞ हो सकते हैं, लेकिन -1 से 1 के बीच में ये जो पोर्शन है यहाँ पर नहीं लाई करनी चाहिए, बाकी कहीं भी करें। ओके, तो ये 99 है, जो ऑब्वियस ही बात है -1 से 1 के बीच में तो नहीं है। 99 -1 से 1 कहाँ अप्लाई करेगा यार, तो 1 से भी बड़ा और -1 से तो ऑब्वियस ही बात है बड़ा ही है, तो ये ठीक है। टेन थीटा 7/7, ठीक है, तो टेन थीटा का देख लो, यहाँ पे कोट थीटा टेन थीटा में मैक्सिमम इन्फिनिटी है, मिनिमम -∞, यानी पूरी नंबर लाइन पे कहीं भी लाई कर सकता है, और -1 to 1 की भी कोई कंडीशन नहीं है इस पे, तो ये तो कहीं भी लाई कर सकता है टेन, तो ठीक है। टेन की वैल्यू में तो सोचना ही नहीं है, टेन की वैल्यू तो टिक्का ही मारना है, कहीं भी पूरे नंबर सिस्टम में, मतलब कि पूरी नंबर लाइन पे कहीं भी लाई कर जाएगा। सीकेंट 0.7, यहाँ पे सोचने वाली बात है। अभी क्या बताया था मैंने, सीकेंट और कोसिकेंट -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करते हैं, सीकेंट और कोसिकेंट। सीकेंट 0.7 आ गया, 0.7 -1 से 1 के बीच में ही है, ठीक है। ये हो गया -1, ये हो गया 1 और ये हो गया 0, तो 0.7 कहाँ पे है, कहीं यहाँ पे होगा, तो -1 से 1 के बीच में लाई कर गया, जबकि सीकेंट और कोसिकेंट यहाँ पे लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रीज़न मैं आपको साफ बता चुका हूँ कि साइन की वैल्यू या कोस की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो ये गलत हो गया। दोबारा इसको समझा देता हूँ, सीकेंट अगर 7/10 है तो कोस क्या हो जाएगा, 10/7, इसका उल्टा, ठीक है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो गया ये, क्योंकि 10 को क्या लिख सकते हो आप, 7+3/7 लिख सकते हो, यानी कि 1+3/7, तो कोस की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, 1+3/7, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, इसीलिए ये चीज़ नहीं हो सकती है। अब अगला देखो, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/3 है, अगर ऐसा है कि कोसिकेंट थीटा 1/3 है तो क्या ये सही है, नहीं सही, क्योंकि कोसिकेंट फिर से क्या कर रहा है, -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, 0.33 होगी ये, ठीक है, 0.33 कहीं यहाँ लाई करेगा 1/3 का। तो समझने के लिए आप ये भी सोच सकते हैं कि इसका उल्टा क्या हो गया, साइन थीटा क्या हो गया, फिर 3 हो गया अगर कोसिकेंट ये है तो अगर ऐसा है तो साइन 3 तो कभी हो ही नहीं सकता है, साइन की तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। ऐसे ओड वन आउट करने के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको ये कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, बेस अच्छे से क्लियर नहीं होगा, तो आप नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। अब इसमें तो आप कभी नहीं फंस सकते हैं इस कंसेप्ट के अंदर। ओके, रेंज पता होनी चाहिए कि मैक्सिमम मिनिमम की क्या होती है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं इसके अंदर कुछ और चीज़ें। ओके, ये जो आपको दिया हुआ क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है, एक तरह से दिखने वाले 4 क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैंने एक साथ उठा लिए, ठीक है 4 क्वेश्चन, तो यहीं पे इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि इसका मैक्सिमम क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है। यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा, मैक्स मिन। ओके, तो 10+sin θ, इसका मैक्सिमम क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है। मैक्सिमम यहाँ पे देखो प्लस है, तो ठीक है प्लस है, तो ऑब्वियस ही बात है कि कुछ जुड़ रहा है टेन के अंदर, तो इसमें हम साइन की बड़ी से बड़ी वैल्यू लेने की कोशिश करेंगे। साइन की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, साइन 1 से ऊपर नहीं जा सकता है, तो यहाँ पे 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम 11। अब मिनिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10+sin θ है ना, 10+sin θ है, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू देखो क्या है, वो होती है -1, तो यहाँ पे क्या हो गया 9, 11 और 9 इसके मैक्सिमम हो गए हैं। आप देखो 10-cos θ का, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना आपको, इसीलिए मैंने ये फंक्शंस की जो साइन है उनको चेंज कर करके लिया, जैसे कि यहाँ प्लस लिया तो यहाँ माइनस लिया, तो यहाँ पे उल्टा केस हो जाएगा, जैसे कि 10 माइनस समथिंग है
तो ऑब्वियसली होता है अगर आपको कोई मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप क्या चाहोगे कि 10 में से कम वैल्यू माइनस हो, तभी तो आपके पास मैक्सिमम फंक्शन आएगा ना। ये क्या है, ये y इज इक्वल टू है, ये भी y इज इक्वल टू, तो आप चाहते हो कि y आपके पास मैक्सिमम आए, ठीक है, y इस नंबर लाइन पे यहाँ पे मैक्सिमम जगह पे आए। तो अगर यहाँ पे चाहते हो तो आपको क्या चाहिए कि ये जो चीज़ है ये आप कम से कम रिड्यूस करें, क्योंकि आप माइनस कर रहे हैं 10 में से कुछ, तो 10 में से अगर कुछ माइनस कर रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि मैक्सिमम आपको वैल्यू लेके जानी है, तो माइनस कितना करना पड़ेगा, कम से कम माइनस करें ताकि आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। कम से कम माइनस कितना करेंगे, कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू देखो क्या है, उतनी ही वैल्यू कम से कम माइनस कर सकते हो ना, समझ रहे हो भाई, कम से कम वैल्यू कितनी माइनस कर सकते हो, जितना कि कोस थीटा का रेंज है मिनिमम वाला, कोस थीटा की मिनिमम रेंज क्या है, माइनस वन। तो आप देखो कि 10 माइनस आपको क्या करना है, कोस में से कितना इसमें से कितना माइनस कर सकते हैं, माइनस वन, क्योंकि कोस की मिनिमम वैल्यू माइनस वन है। तो ये देखो ये आ जाएगा 11, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, समझ रहे हैं इस चीज़ को। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो निकाल ली हमने, मिनिमम कैसे निकालेंगे कि यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा माइनस कर दें, 10 के अंदर से ज़्यादा हम माइनस कर दें किसी चीज़ को, तो हमारे पास छोटी वैल्यू आ जाएगी मिनिमम वैल्यू। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोस को कितना माइनस कर सकते हैं, कोस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 1 ही माइनस कर सकते हैं, तो 10 माइनस 1 यानी कि 9। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, ध्यान देना साइन नहीं है, साइन स्क्वायर है। अगर ऐसा है, साइन स्क्वायर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइज, यहाँ पे यहाँ करना पड़ेगा 10 प्लस साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। अब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से, मिनिमम वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है जब हम उसकी इवन पावर्स लेते हैं, ऑड पावर्स लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपके पल्ले पड़ रही होंगी, ऐसा मत बोलना कि समझ नहीं आ रही है, ठीक है। तो 10 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 11। ओह, और यहाँ पे आपको मिनिमम निकालना है आपका इस, तो मिनिमम क्या हो जाएगा, 10 प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है इसका मिनिमम क्या होगा, इसका मिनिमम होता है 0। आपको अभी मैंने समझाया कि अगर स्क्वायर आ जाते हैं तो वो जो ग्राफ है वो ऊपर ऊपर रहता है, ठीक है, सिर्फ ऊपर ऊपर रहता है ऐसा ग्राफ, तो नीचे तो आ नहीं रहा, तो y की वैल्यू जब नीचे आ ही नहीं रही तो y की वैल्यू मिनिमम क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, 0 हो जाएगी। तो आप देखो 10 प्लस 0 हो जाएगा, तो इसका मिनिमम कितना हो गया, 0 हो गया। ओके, अब यहाँ पे उल्टा फिर से केस आ गया, जैसे ये था वैसे ये, 10 में से कितना कम सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी हमारे पास मैक्सिमा आएगा। मैक्सिमा कब आएगा, 10 में से कम वैल्यू को घटाएंगे, तो कम से कम वैल्यूज की कितनी घटा सकते हैं, कोस स्क्वायर है तो अगेन इवन पावर है, कोस स्क्वायर है तो माइनस में तो इसकी वैल्यू नहीं आ सकता मिनिमा, मिनिमा फिर क्या हो जाता है इसका, 0.1 हो जाता है, ठीक है, कोस स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, क्योंकि कोस की वैल्यू, कोस स्क्वायर हो या कोस हो, साइन हो या साइन स्क्वायर हो, या साइन की पावर 4 हो, कोस की पावर 4 हो, कोस की पावर 8 हो, साइन की पावर 8 हो, इन सब की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही रहती है। ऐसा नहीं है क्योंकि इनकी इवन पावर्स हैं, तो इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और मिनिमम वैल्यू पे फर्क पड़ता है, ठीक है, इवन पावर्स के लिए 0 हो जाती है और ऑड पावर्स के लिए -1 हो जाती है। तो यहाँ पे देखो कि कितना कम से कम घटा सकते हैं, 0 कम से कम घटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लिखोगे अगर आप, तो 10 माइनस 0, ठीक है, 10 में से अगर 0 को घटाएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 यहाँ पे। और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वैल्यू को घटाना पड़ेगा, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू उठाओ, और ताकि 10 में से वो सबसे बड़ी वैल्यू घट जाए और ये फंक्शन का हमारे पास मिनिमा आ जाए, यानी सबसे कम से कम वैल्यू आ जाए टोटल फंक्शन की। तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1 है, 10 माइनस 1 करोगे तो 9 आ जाएगा, इसको रिमूव कर लो। तो कुल मिला के गाइस इस तरह से इसको आपको अप्रोच करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। है बहुत कुछ है अभी इनके अंदर, ऐसे बहुत कुछ पूछा जा सकता है, ये डिपेंड करेगा आपकी समझ पे डिपेंड करेगा। अब जैसे कि अगर कोई पूछ ले क्वेश्चन के अंदर कि 1 - tan θ इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम पूछ ले तो क्या करोगे, तो अभी मैंने आपको क्या बता रखा है कि मैक्सिमम वैल्यू जो टैन की है वो डिफाइन नहीं हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस यहाँ पे टैन थीटा को क्या लिखोगे आप, इन्फिनिटी लिखना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो फिर इसकी वैल्यू डिफाइन ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि 1 में से इन्फिनिटी गई, तो या तो हम इसको फिर यही है कि 0 लिखें, ठीक है। तो अगर 0 ऑप्शन में दे रखा है यहाँ, तो 0 लिख देना, अगर नॉट डिफाइंड दे रखा है तो नॉट डिफाइंड लिख देना। वैसे तो मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ को
किया नहीं जा सकता क्योंकि इसका कई चीज़ें अप्रोच बन सकते हैं, ये जीरो भी नहीं आएगा वैसे, मैं आपको देख के बताऊँ कि रीज़न क्या है कि वन में से इन्फिनिटी जा रहा है। तो आप सपोज़ करिए ये है वन माइनस फाइव है, तो आप माइनस फोर लिखते हैं ना, तो वन माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, एक तरह से माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये नॉट डिफाइंड आएगा हमेशा, ठीक है, कभी भी इसको डिफाइंड वे में नहीं लेना है, ये हमेशा नॉट डिफाइंड आएगा। ही वो ये भी पूछ सकता है कि वन प्लस कोट थीटा इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे अगर मैक्सिमम के लिए, प्लस वन करोगे तो ये इन्फिनिटी आ गया, तो ये भी नॉट डिफाइंड है। तो आपको ऑप्शन के अंदर नॉट डिफाइंड लिखा हुआ या नन ऑफ दीज लिखा हुआ उसी को मार्क करना और किसी वैल्यू को मार्क नहीं करना। ऐसी अगर वन माइनस कोट थीटा की बात करें, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम पूछ रहे, तो वन माइनस इन्फिनिटी लिखोगे तो ये माइनस इन्फिनिटी ही आ जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे आ रहा था। यहाँ पे जीरो नहीं बनेगा, माइनस इन्फिनिटी ही बनेगा, तो माइनस इन्फिनिटी बनेगा तो अगेन नॉट डिफाइंड। अगर इसी की मैक्सिमम वैल्यू को बात करेंगे तो वन माइनस माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी हो गया, तो अगेन नॉट डिफाइंड। तो कहने का मतलब है कि टैन कोट के ऊपर अगर कभी क्वेश्चन आए तो वहाँ तो डायरेक्टली ही पता लग जाता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा गाइस, ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज़ को। ऐसे ये बहुत डीप में भी ये फंक्शंस बन सकते हैं बनाने को, मैं अभी आपको लाइव बिना किसी प्री तैयारी के यहाँ पे बना बना के दिखा सकता हूँ। जैसे कि लोग के फंक्शन ले लें, साइन के अंदर टैन ले लें, साइन के अंदर ही कोस ले लें, तो वो सब बना के भी हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पूछने वाला है, अगर कभी पूछेगा तो देखेंगे, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि वैसा कभी कोई पूछेगा इतने डीप में फंक्शंस को, ठीक है। पढ़ाने को मैं अभी बना बना के क्वेश्चंस आपको दे दनादन करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि उनको करवाने का भी बेनिफिट होगा। हो सकता है आपके सर के ऊपर से निकलने लग जाएँ, फिर आप परेशान हो कि सर इतना टफ आएगी चीज़ें कि नहीं आएंगी। तो इसीलिए मैं एक दायरा ही रखना चाहता हूँ इस चीज़ में, ताकि आप भी परेशान ना हो और आप बिल्कुल सही लाइन पर चलें। ये नहीं कि आप एक एक्स्ट्रा सिलेबस करने बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको मैथ्स का मास्टर तो बनना नहीं है, आपको सिर्फ पेपर निकालना है। तो पेपर निकालना है तो उसी के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, ना कि इधर उधर की तैयारी शुरू कर दें हम। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ कि गाइस ये सारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आ रही होगी, जो मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी इतने अच्छे से बेस बना के आपको बताई होगी। एक बार आपका ये ऐसा वाला बेस जब मैं तैयार कर रहा हूँ ना, इसी इसको तैयार होने दो एक बारी, उसके बाद देखना जब आप अच्छे वाले लेवल के क्वेश्चंस को देखोगे ना, तो आपको खुद समझ आएगा कि हाँ, ये चीज़ को मैंने यहाँ से रिलेट करना है, उस क्वेश्चन को मैंने वहाँ से रिलेट करना है। आपको सारे के सारे कंसेप्ट ये जो है अच्छे से टिप्स पे होने चाहिए, जैसे मैं आपके सामने बोलता हूँ कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी है, आपकी तरफ देख के मैं पूरा का पूरा एकदम से, मेरे को मेमोराइज्ड है, मैं ऐसे बोल देता हूँ चीज़ें। वो मेमोराइज्ड कैसे हैं, मेरे को आप अभी लाइव बोलोगे तो मैं अभी लाइव आपको वो चीज़ प्रूफ करके बता दूंगा, क्योंकि मुझे कुछ उसमें ये नहीं है कि मैंने रट्टा मारा हुआ, रट्टा नहीं मारा हुआ गाइस, उसको मैंने बहुत अच्छे से अपने दिमाग में फिट किया हुआ, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग उसकी बिल्ड की हुई, कंसेप्ट बिल्ड किया हुआ। एक बार कंसेप्ट बिल्ड किया हुआ, उसके बाद मैं बार बार थोड़ी ना उन चीज़ों को कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे याद है और आज से 10 साल बाद भी याद रहेंगी। उसका रीज़न यही है कि उनका जो कंसेप्ट है वो मेरे दिमाग में अच्छी तरह से बिल्ड हो गया और उसी से मेरा ब्रेन जो है डेवलप हो रहा है। और ऐसे ही आपका भी होगा, जब आप उसको अच्छे से सीख लेंगे तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ जाएगी कि आप खुद टफ क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे, ना कि किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे कि वो आपको 200-300 क्वेश्चन करवाए और फिर आप उन क्वेश्चंस को करें। समझ रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि अगर कोई करवा भी देगा आपको 200-300-400 क्वेश्चन, तो एंड में आप देखिएगा कभी भी अपने नोट्स को रिवाइज करके, आपको 2 हफ्ते के बाद वो नोट्स में से कुछ भी याद नहीं होगा। अगर किसी ने भी मतलब ऐसे क्वेश्चंस 300-400 अपनी कॉपी बनाई है, तो 2 हफ्ते बाद आप प्लीज़ उस चैप्टर को उठा के देखिएगा, आपको कुछ भी याद नहीं होगा, क्योंकि आपका बेस उस तरह का नहीं बना गया, आपको सिर्फ टफ क्वेश्चन कराए गए हैं, और वो भी आपका दिमाग नहीं लगा उन टफ क्वेश्चंस में, किसी और का दिमाग लगा, आपने सिर्फ कॉपी किया। तो कॉपी करने से कभी भी ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होती है, ठीक है गाइस। तो ये आज का कुल मिला के लेक्चर था, कंसेप्चुअल लेक्चर। अब आगे टाइप वाइज देखेंगे कि मैक्सिमम मिनिमम में कैसे कैसे टाइप्स आ सकते हैं और कैसे कैसे उनको अप्रोच करना है हमें। उम्मीद कर रहा हूँ गाइस कि आपको ये सारे का सारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, बहुत मेहनत से मैं बना रहा हूँ। तो अगर आपको जेन्युइन लग रहा है तो यार प्लीज़ यार लाइक तो करो वीडियो को और साथ में शेयर भी करो, जितना शेयर करोगे उतना सबका बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।